भैया जी अब हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए स्पेशल बटेर। ठंडा ठंडा मौसम है, बटेर तैयार करेंगे हम, वो भी अपनी रम के साथ। सबसे पहली बात ये है, हम खुद के लिए तैयार कर रहे हैं, सर्विंग के लिए तैयार नहीं कर रहे। ये बटेर है जी, और ये हमारी है रम ओल्ड मॉन्की। सबसे पहले भैया हम इसमें डालेंगे अपना देसी घी। हम तो घी से बिना रह नहीं सकते भैया। ये पीतल का, ये हमने अपने स्पेशल ही तैयार कराया है इस साइज का। ये तांबे की है, ये पीतल की है। हम इसमें डालेंगे अपनी लहसुन अदरक की पेस्ट। ये गार्लिक पेस्ट इसमें डाला जा रहा है। ये यूनिक चीज अपने लिए खुद के लिए तैयार कर रहे हैं जी। हम पहले इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे लहसुन को, देसी घी में इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ सके। उसमें थोड़े से उसके बाद डालेंगे हम जी अपनी भैया हल्दी। तो ये आगे भी हल्दी, हल्का सा इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, हल्का सा नमक डालेंगे भैया, लाल मिर्च हल्की सी इसको पिंच देंगे अपनी जी लाल मिर्ची का। ये भैया खाने पीने के जो शौकीन है ना, वो ही समझेंगे भैया इसका मज़ा क्या है, अलग क्या चीज़ है। ये कुछ ना कुछ नया तो ट्रेंडिंग चलता रहता है जी, जो देखते हैं मन में आता है, चल यार ये करके देखते हैं, अलग सी यूनिक सी चीज़ है। सबसे खास बात ये, हम इसमें हम साबुत गार्लिक डालेंगे जी। ये हमारी एज ए ऑनियन पेस्ट है जी। वैसे हांडी मटन के अंदर तो पूरा आपको लहसुन मिलता है, वैसे ही इसमें लहसुन पूरा डाला गया है। तो सरदार जी बटेर कितने लोगों के लिए बन जाएगी? ये 10 पीस है हमारे। अच्छा, तो 5-7 लोग आराम से खा सकते हैं। खाने को तो 2 आदमी भी खा सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का एंजॉय करके खाएंगे। इसमें हल्की सी हम टमाटो पेस्ट डालेंगे जी। ये आ गया टमाटो का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम। तो मसाले जैसे तो अच्छे से भुने जा रहे हैं। ये हम डालेंगे अब अपने छोटे छोटे बटेर इसमें। बहुत गर्म रहते दादाजी भैया, ठंडी के मौसम में गर्म गर्म चीज खाने का मजा हो रहा है। तो एक एक करके बटेर इसमें डाले जा रहे हैं, टोटल 10 इसमें बटेर डाले जाएंगे। तो वो जितने भी है 10 है, 12 है, 15 है, तो 10 से 12 पीस यहाँ पे बटेर के इसमें डाल दिए गए हैं। इसमें हम पानी नहीं यूज करेंगे, हम अपनी इसकी देसी घी या अपनी जो स्पेशल रम है ओल्ड मॉन्क, इससे एक बात होगी, थोड़ा सा रम का टेस्ट अलग जरूर आएगा, थोड़ा सा कड़वापन आएगा, लेकिन खाने में आओ थोड़ा सा अच्छा लगेगा ठंडी के मौसम में। हल्का इसका जो बोल सकते हैं, हल्का हल्का सा सुरूर भी होगा और थोड़ी सी बॉडी वार्म भी हो जाएगी हमारी। ये जो होता बर्ड छोटा होता ना, इसको ज़्यादा देर हम बुनाई नहीं करेंगे, मैक्सिमम कम से एक पे 15 से 20 मिनट। हमारे पंजाब में कहते हैं खाना खाना है देसी घी मक्खन में खाना है, हमको आदत है उसी चीज़ में खाने की। ठंडी का तो कहते हैं फिर ठंडी का सीज़न आया, अगर इंजॉय ना किया, खाने पीने का मज़ा ना लिया, तो फिर क्या फ़ायदा। दादाजी बटेर को पकाने में कितना टाइम लग जाता है? हार्डली मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। हम इसको लगाएंगे धीरे धीरे, हम 20 से 25 लगा लेंगे, लेकिन आराम से प्यार से बनाएंगे इसको। जो घी का फ्लेवर है, लहसुन का फ्लेवर है, जो हमने रम इसमें इस्तेमाल करनी है, वो इसके बीच में अच्छी तरह से हम जा सके। अब देख सकते हैं इसकी बुनाई हो गई है, इसका कलर उसके ऊपर जाना शुरू हो गया है। अब चेक कर सकते हैं कलर आना शुरू हो गया, हड्डी पे भी कलर आ गया। हम इसमें अपना जो असली इंग्रेडिएंट है वो डालने जाएंगे जी। तो भाई ये आगे ये ओल्ड मॉन्क हमारी से रम डाली जाएगी, सर्दियों के मौसम में सर्दी का इलाज इसमें डलने जा रहा है रम, तो पानी की जगह इसमें डाली जा रही है रम, देख सकते हो। धीरे धीरे प्यार से हम इसको फ्लेम देंगे। तो बटेर के साथ हमारी रम मिक्स कर दी गई है, बटेर को भी हल्का सा नशा तो हो ही जाएगा। ये जो हल्का हल्का सरूर है, आज भैया स्पेशल तैयार हो रहे हैं, मेरे को इतना एक्साइटेड होंगे यार, फटाफट ये रेडी हो तो मैं फटाफट इसका टेस्ट कर सकूं। मटन मैंने बनाए थे 1-2 बार रम के साथ, चिकन बनाया हुआ रम के साथ, बटेर मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ आज। ये हल्की सी हम गार्निश के लिए इसमें जिंजर डालेंगे जी, हल्की सी हरी मिर्ची, ये हमारा धनिया, कोरिएंडर ग्रीन। इसको हम ग्रेवी नहीं यूज़ करेंगे, इसको मसालादार ही हम यूज़ करेंगे। चेक कर सकते हैं हम, हल्का सा फ्लेवर आ रहा हमें भी इसमें, हल्का सा मसाले को जो इसकी कड़वाहट है उसको दूर करने के लिए, थोड़ा सा इसको अपना फ्लेवर देने के लिए हम इसमें अपना थोड़ा सा मसाले को अच्छी तरह से के लिए दही यूज़ करेंगे। रम से थोड़ा सा कड़वापन आएगा ही आएगा। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हो हमारा कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ी सी ओल्ड मॉन्क और मिलाई जा रही है, नशा तो नहीं हो जाएगा भैया? नशा ही तो करना है हमने। अब देखते क्वार्टर से हमने ज्यादा डाल दी हुई है, ये लगभग हमारा तैयार हो चुका है जी। देखो हड्डी ने मांस छोड़ दिया हुआ है, ये पक चुका हुआ, इसको डाउन करके ढक्कन देंगे, इसको सिर्फ हम स्मेल देंगे इसकी जो अंदर तक वेपर जा सके। बट ये रेडी है जी भैया हमारे, हमारी देसी घी की रम वाली बटेर।
ठंडी नहीं लगेगी, इतनी गारंटी हमारी। जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं देसी घी वो भी गरम, लहसुन डाला वो भी गरम, रम डाली है वो भी गरम, ठंडी नहीं लगेगी। आप आज आपने किस लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है? अपने मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं बाहर अब्रॉड से आए हुए हैं, दो तीन लड़के ऑस्ट्रेलिया से हैं, एक लड़का न्यूजीलैंड से है, एक कनाडा से है और एक सिंगापुर से है। मेरा फ्रेंड सर्कल है वो अपनी बाइक के साथ आ रहे हैं, वेजिटेरियन घर पे तैयार हो रहा है, नॉन वेज मैं यहीं से तैयार करके लेके जाऊँगा। टाइमिंग हमारी बड़े भैया वही है, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। भैया हमारा ऑल डे ओपन है जी, हमारी कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 365 डे ईयरली। एड्रेस बता दीजिए किसको फिश खानी है यहाँ पे। एड्रेस हमारा है बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर, क्रिस्टल चौक, कूपर रोड, अमृतसर में जी।